तो आज का जो मेरा ब्लॉग है ससुराल फाइनल ब्लॉग, इसमें मैंने क्या क्या किया वो दिखा रही हूँ। और हम लोग जो मेरे देवर जी की शादी फिक्स हो गई है तो उसको देखने के लिए लड़की वाले आए थे और हम लोग लड़की को देखने के लिए गए थे। तो वो जर्नी है, बहुत अच्छा लगेगा, ज़रूर देखिएगा। और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है मेरे देवर जी की शादी की तैयारी। आगे लड़की भी देखेंगे, जुड़े रहिएगा। कि दो परिवार, दो समाज, दो गांव की शादी होती है। गुड़ी तेरा गांव बड़ा प्यार। लो चली मैं बारात लेके, बात गई थी मैं अपने माइक के जहाँ पर की। तो छठ आज खत्म हो गया और चल रही है खाने पीने की तैयारी। यहाँ पे चाची जी मछली की तैयारी, प्याज लहसुन कर रही है। अरे चाची आई है, नहीं रोई छते। और मैं यहाँ पे एक वेजिटेरियन खाना बना रही हूँ और चाचा जी दिखाते हैं क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर मछली बना रहे हैं, बहुत सारा मछली है बेचारे को। हम लोग आते तो बहुत परेशानी हो जाती बहुत परेशानी। अरे हाँ, यहाँ पे बड़ी चाची जो है सब प्रसाद सबको इकट्ठा कर रही हैं कि क्या करना है, किसको देना है, किसको लेना है, क्या करना है। और माँ जी अपना व्यस्त है पान खाने में, माँ जी पान खा रही तो बस। लेकिन 3 दिन का व्रत कर ली। आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि मैं मतलब थोड़ी देर के लिए चूल्हे पे बैठी और मैंने वीडियो शूट किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने ही सारा मछली बनाया, वो भी चूल्हे पे और बाहर में बैठ के, और बहुत अच्छा लगा। बट हाँ, एक बात तो बोलूँगी कि मे बी कि हमारे पास गांव में शहर के मुकाबले इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं डालने के लिए कम होते हैं, थोड़ी कम सुविधा होती है। जैसे पीछे देख रहे हैं चाची जी खोल में मतलब मसाला बना रही हैं और यहाँ पे तो मिक्सर ग्राइंडर होते हैं। बट टेस्ट तो अल्टीमेट, मतलब यहाँ के मुकाबले मुझे टेस्ट जो है ये चूल्हे पर का और कूटे हुए मसाले का ज़्यादा टेस्टी लगा। बिल्कुल देसी स्वाद था। और चूल्हे पे बनाने के एक दो फ़ायदे और भी हैं, जैसे कि 3-4 किलो मछली थे और उसको गैस पे बनाते बनाते एकदम बनते रहता, बट चूल्हे पे फटाफट फटाफट होते भी गया और बहुत अच्छे से पक भी रहा था। और जो मसाले थे वो भी बिल्कुल हाथ के पिसे हुए थे, तो उसका टेस्ट एक दूसरा ही आ रहा था, जो कि मुझे खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। तो बस जैसा देश वैसा भेष। और मैं, मुझे तो खैर इन सारी चीज़ों को एंजॉय करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस मैंने मछली बनाया और मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। थोड़ी बहुत धुएँ हुई, चाची जी आकर के बीच में हेल्प कर ही देती थी, बट कोई नहीं, ठीक था, अच्छा था। कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है चूल्हे पे खाना बनाना, मैंने कर दिखाया। यस, इंडिया में तो मतलब इतने छोटे मोटे त्यौहार होते हैं हम लोगों में भी कि बहुत सारे चीज़ों के बारे में तो पता भी नहीं होता। ये सामा चकवा मेरे मायके में नहीं होता था, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत सुना था। इस बार ही मैंने वो भी देखा क्योंकि मेरे ससुराल में होता है और बहुत अच्छा लगा। कहाँ है सेमा, कहाँ है ये तो? बड़ा अच्छा, ये रहा सेमा और ये सब भैया। मतलब ये भाई बहन का कुछ है क्या? अभी थोड़ा सा ही, बाद में बनेगा, बाद में ढेर ही होगा, एक दूध होगा। तो आज मेरे ससुराल का फाइनल डे है, आज हम लोग जा रहे हैं। तो अभी सुबह का 8:30 बज रहा होगा और मैं खाना प्लस नाश्ता दोनों एक साथ ही चला दी हूँ ताकि बनता रहे। आधे लोग नाश्ता कर चुके हैं, सबको पी लिए, किन्होंने दही चूड़ा खा लिया, किन्होंने कुछ खा लिया, मतलब ऐसे ही बच्चों सबने भी खाना खा लिया है। तो बस उसी की तैयारी चल रही है। और आज मैं 9 कन्या भी खिलाने वाली हूँ क्योंकि गांव में, सॉरी पटना में मैं 10 दशहरे नहीं खिला पाई थी, तो मैंने सोचा यहीं पे खिला लेंगे। तो उसकी भी तैयारी चल रही है साथ के साथ, इसीलिए खाना और नाश्ता जो दोनों एक साथ ही चला दिया। उधर चावल के लिए बस देखिए और क्या क्या करती हूँ, अभी तो मुझे खुद नहीं पता क्या क्या होगा, बट चल देखते हैं। ब्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा।
कर लिया, वेरी गुड। पुदू ढको, पुदू दिख रहा। दादी छच्चू कर दी। तो आज जो कुमारी कन्या खा रही है उसके लिए चाची जी खीर बना रही है और चूल्हा पे खीर, तो चलिए देखते हैं खीर बन गया नहीं। तो बस इधर खीर भी बन गया और उधर कुमारी कन्या जो है वो आना स्टार्ट हो गई थी, तो फटाफट जो है खीर को किया, उसके बाद सारी कन्याओं का पैर हाथ कलर करके और खाना लगा दिया। देखो माही भी सब माही बीच में बैठ गए। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है मेरे देवर जी की शादी की तैयारी। आगे जो है हम लोग लड़की देखने के लिए भी गए थे, यानी मेरी होने वाली देवरानी उसको भी देखने के लिए गए थे, तो ब्लॉग के साथ जुड़े रहेंगे तो जरूर दिखाई देगा। तो बस इतनी सारी कटोरी प्लेट्स, मतलब 16-17 वैरायटी बनी थी उनके स्वागत के लिए, उनको और देवर जी को देखने के लिए लड़की वाले आए थे। करीब 14-15 लोग थे और उनका स्वागत जस्ट लाइक एक बारात की तरह हुआ था, बाराती की तरह। तो ये भी एक अच्छा लग रहा था, घर में बहुत ही ज़्यादा रमन चमन सब, मतलब लिटरली बहुत अच्छा लग रहा था। और सब खाना पीना मीट वगैरह सब घर में आंगन में ही बना था, तो एकदम। और गेस्ट वगैरह हमारे इधर से भी बहुत सारे आए थे, फुल फैमिली वगैरह भी आई थी, तो ये कह सकते कि 100 के अराउंड लोगों ने का जो उस दिन था पूरा पार्टी हो गया था। और फिर यहाँ पे देवर जी को देखने के लिए उसके ससुर जी वगैरह सबको प्रणाम कर रहे हैं। तो आगे लड़की भी देखेंगे, जुड़े रहिएगा। ये सब भी मोमेंट हमारे मिथिला में जो है बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। कहते हैं लोग इधर उधर शादी कर लो, लेकिन गांव में शादी करने का जो मज़ा है ना वो कहीं नहीं है। क्यों? तो शादी तो सिर्फ वाकई में लड़के और लड़की की होती है, लेकिन यहाँ पता चलता है कि दो परिवार, दो समाज, दो गाँव की शादी होती है, ऐसा फील होता है। और वाकई में जब इतने सारे लोग खुश हो तो ऑब्वियसली कपल जो हैं वो खुश होंगे ही, तो इसीलिए जो है पहले इन सारी चीज़ों के लिए भी सोचना चाहिए। तो अब चलिए लड़की देखते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिथिला ब्लॉगर गुड़िया झा। तो आज स्पेशल दिन हम लोग ये जो ये टेढ़े मेरे रास्ते पर उछलते कूदते हुए जा रहे हैं कहीं पे, और हो भी क्यों ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है हम लोगों को क्योंकि मेरे देवर जी की लड़की देखने के लिए जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में ही उनका तिलक हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा रहा। सॉरी मैं उसका ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, बट हाँ लड़की देखने का जरूर शूट करूँगी। तो सबसे पहले चलिए मैं अपने देवर जी से मिलवाती हूँ क्योंकि उन्हीं की शादी है। हेलो जी, है मेरे देवर। हाँ मतलब घूम के मज़ा आ गया, गाना एक याद आ रहा था बड़ा अच्छा सा, गुड़ तेरा गाँव बड़ा प्यारा, बस यही वाला गाना। इससे ज़्यादा नहीं सुनाऊंगी नहीं तो ब्लॉग देखना आप लोग छोड़ देंगे। लो चली मैं बारात लेके, वही वाली फीलिंग आ रही है। संदीप जी को बिल्कुल पेशेंस नहीं था कि वो अपनी दुल्हनिया से जल्दी ही मिल लेंगे, बेचारे बड़े परेशान थे। और हम लोग फाइनली मिले वहाँ पे, मैंने एक छोटी सी रिंग सेरेमनी भी करा दी थी। एक्चुअली दोनों को अंगूठी दिया ही गया था, बस दोनों एक दूसरे के हाथ से पहन लिए, ये अच्छा लगा। इतनी जल्दबाजी क्या है, बहुत खूबसूरत है मेरी देवरानी, लेकिन उसका फेस देखेंगे, फरवरी में शादी है तब उसका फेस देखेंगे। खूबसूरत लोगों के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है ना। तब तक आप लोग मेरा व्लॉग देखिए, और उसके बाद गई थी मैं अपने मायके जहाँ पर कि नया घर बना है, टूर भी कराऊंगी बहुत जल्द। तब तक ले बाय, थैंक यू, जुड़े रहिएगा मेरे व्लॉग।